इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है और इस रॉकेट को लैंडर के साथ चांद की सतह पर उतरने में करीब 45 दिनों का समय लगेगा। चंद्रयान 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह को स्पर्श करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 का लॉन्च सफल रहा। वहीं चंद्रयान 3 की ऑर्बिटर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग टीम में झारखंड के सोहन यादव का भी नाम जुड़ा है। सोहन पिछले 7 सालों से इसरो में वैज्ञानिक हैं। इधर सोहन के परिवार वाले मिशन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर काफी उत्साहित हैं। वहीं सोहन की मां देवकी देवी और भाई गगन यादव चंद्रयान सफल प्रक्षेपण और बेटे की कामयाबी की कामना को लेकर माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। देश के लिए किया, गांव के लिए किया, जिला के लिए किया, इसलिए तो मैं आई थी वैष्णो माता को माथा टेकने के लिए। और उसके बारे में कुछ बताइए। क्या बताएंगे, बचपन से ही तेज था उसका, सीढ़ी जो चला तो अपना कामयाबी लेके ही समाप्त हुआ। समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा है, देश के लिए कर रहा है। तो आपसे बात होती है कि नहीं होती है? हमसे बात होती है 2 महीना में 1 महीना में। उसको समय नहीं है जो बात करेगा हमसे। बोल दिया हमको कि हम देश के लिए ही निर्भर रहते हैं। घर कब आया था? घर उसका बहन का शादी था, छोटी वाली बहन का, उस दिन उस समय आया था 2021 में। आज बहुत खुशी का बात है कि मेरा छोटा भाई सोहन कुमार यादव चंद्रयान 3 का हिस्सा रहा। बहुत बधाई मिल रहा है हम लोगों को, खुशी भी हम लोग को है। अब हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब था जिस टाइम उसको हम लोग इसरो में ज्वाइन कराए थे। यानी कि बाप ड्राइवर था, मैं भी वैसा नहीं था। अभी जो भी है हम लोग बहुत गरीबी देखे हैं। अभी जो भी है भगवान का कृपा है। अभी तो हम लोग वैष्णो देवी में आए हैं अपने भाई का कामयाबी दरबार में दर्शन करने, भी माथा टेकने आए थे देश के लिए। तो चंद्रयान 3 के अभियान में, इस मिशन में झारखंड के सोहन की एक अहम भूमिका है, जो कि पूरे राज्य के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। बता दें कि इसरो में वैज्ञानिक सोहन पिछले 7 सालों से हैं और चंद्रयान 3 के इस मिशन पर भी उनकी भूमिका रही है। यहाँ पर आपने सोहन के परिवार वालों को सुना, वो भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।